बस्तर जिले के जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक शुलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अवैध गांजा तस्करों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो लड़के चिटकुली ढाबा के पास अपने बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बस का इंतजार करते रोड किनारे खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उन दोनों लड़कों को पकड़ा गया। साथ ही तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 24.305 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा प्राप्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 2,40,000 रुपया बताई जा रही है। उसको जब्त करके और इसी के तहत पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश करने भेज दिया है। पुलिस को दो अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली है। कल चिलकुटी ढाबा के पास में ये दो आरोपी, एक का नाम रोहित कटारिया है और एक अजय नीनामा है जो कि धार एमपी के रहने वाले हैं, ये उक्त ढाबा के पास में रायपुर जाने की फिराक में थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने जाकर वहां दबिश दिया। पुलिस ने जब उनको जामा तलाशी लिया तो उनके कब्जे से लगभग 25 किलो गांजा, जिसका बाजारों मूल्य लगभग 2,40,000 है, और उनके कब्जे से दो स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं जिसे प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया है और इन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। 20 था एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है और दोनों ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।